श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। आइए इससे जुड़े तथ्य के बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इली में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहां आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वे शव को उसी गुफा में ले गए जहां पर रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वह मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में रावणागोड़ा नाम की जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगे हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि रावण की कितनी रानियां थीं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।